हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी राइटर्स की रेफरेंस बुक परचेज करनी चाहिए सो दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। सो देखिए, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर में टोटल चार सब्जेक्ट्स होंगे आपके। एक आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिर है आपका कॉर्पोरेट लॉ, जेनरिक में आपका है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक आपका AECC में सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोर सब्जेक्ट से। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में दोस्तों जो कंपनीज के अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। पूरा ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, या फिर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के बारे में आ गया, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में आ गया, अमालगमेशन के बारे में आ गया, होल्डिंग कंपनीज के बारे में आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए दोस्तों आप बुक परचेज कर सकते हो JR मोंगा, या फिर अलोक कुमार, या फिर BK गोयल। तो इन राइटर्स की अगर आप बुक परचेज करोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो आप अच्छे से इस बुक को, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। आपको किसी टेन्योर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अदर सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, आप यूट्यूब पर ईजिली लेक्चर देख के उसको समझ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप इस बुक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी अच्छे से इसको कवर अप कर लेते हो, तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी कॉर्पोरेट लॉ की। जैसे आपने कंपनी के अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, इसी तरह आपको कंपनी के लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंपनी बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का क्या प्रोसीजर रहता है, वाइंडिंग अप करना है अगर किसी कंपनी को ख़त्म करना है उसका क्या प्रोसीजर रहता है, कंपनी में डिविडेंड किस तरीके से बांटा जाते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं उनको, इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन सी होती हैं, कंपनी के जो मैनेजमेंट में लोग बैठे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, इनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनीज के जो मीटिंग्स होती हैं उसकी क्या क्या प्रोविजन होती हैं, ये सब चीज़ें आपको कंपनी लॉ में पढ़ने को मिलेंगी। कंपनी लॉ के लिए भी दोस्तों अगेन अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए तो आप ND Kapoor की बुक परचेज कर सकते हो, या फिर MC Kuchal की बुक परचेज कर सकते हो, या फिर JP Sharma की बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बता दिया है। इसके बाद हमारा एक जेनरिक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो सेकंड में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, और आप चाहो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़रूरी नहीं है किसी एक बुक से आप पढ़ो, कुछ मटेरियल आपको किसी और बुक से मिल गया, कुछ मटेरियल आपको गूगल से मिल गया, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जो बुक्स हैं काफ़ी सारी राइटर्स की आती हैं, और हो सकता है दोस्तों आपको पूरा सिलेबस एक बुक में ना मिले, फिर भी कुछ राइटर्स ने बुक लिखी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में टैक्समैन की, संगीता करके, तो वो आप वहाँ पर परचेज कर सकते हो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात बता रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है वो आता है हमारा एबिलिटी इन्हांसमेंट कैटेगरी से। अब इसमें या तो आपने EVS पढ़नी होगी, या फिर कोई आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ना है। सपोज़ करिए आपने AECC में फर्स्ट सेमेस्टर में EVS ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ोगे, और इसका आप वाइस वर्सा कर दो। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में AECC में कोई इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज पढ़ ली है तो सेकेंड सेमेस्टर में आप EVS पढ़ोगे। तो मैं आपको AECC सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप EVS पढ़ने वाले हो तो आप एरिक भरूचा की बुक परचेज कर सकते हो ईजिली, मार्केट में आपको वो बुक ईजिली मिल जाएगी, ठीक है, एरिक भरूचा की बुक इन्वायरमेंटल साइंसिस के लिए। वहीं अगर आपका कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है या हिंदी कम्युनिकेशन है, तो इन सब्जेक्ट के लिए 10 ईयर इनफ है, ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ने वाले हो तो इसमें आपको कोई स्पेसिफिक बुक की नीड नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक थ्योरी जो होती है कम्युनिकेशन की वो पढ़नी पड़ेगी, वो आप बुक से पढ़ सकते हो। बाकी इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं लाइक कोई रिपोर्ट राइटिंग है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये तो किसी बुक से पढ़ के आई डोंट थिंक कि इतना इसकी नीड है। आप इसको अगर अपनी लैंग्वेज में इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, इसको किस तरीके से लिखी जाती है, या फिर डायलॉग राइटिंग या इंटरव्यू राइटिंग या पब्लिक स्पीच, इनका फॉर्मेट क्या होता है, तो ये तो किसी बुक से आई डोंट थिंक कि इसकी इतनी ज़रूरत है। बट जो बेसिक थ्योरी है कम्युनिकेशन की उसको समझने के लिए आप 10 ईयर ले सकते हो, वो मोर देन इनफ है। वहीं सिमिलरली जो हिंदी कम्युनिकेशन की बुक है, हिंदी भाषा वाली, हिंदी भाषा और संप्रेषण, इसका भी आप 10 ईयर अगर ले लोगे, या फिर SOL का जो स्टडी मटेरियल है वो भी इन दोनों के लिए इनफ है, जो आपका AECC वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी कम्युनिकेशन। तो ये सभी राइटर्स की बुक हैं जो कि आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हो। अगर इन बुक्स से आपने अच्छे से कवर अप कर लिया
तो आपको किसी और रेफरेंस मटेरियल की नीड नहीं है। स्पेशली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ की तो आप ज़रूर से स्पेसिफिक राइटर की बुक परचेज करिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप एक वक्त पर 10 ईयर से ज़रूर पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर अभी टाइम आपके पास है और आप बुक अफोर्ड कर सकते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप एक अच्छी सी बुक जाके परचेज करिए, जो कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों। और जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप यूट्यूब से लेक्चर देख सकते हो। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी सारे चैनल यूट्यूब पर हैं। बच्चे काफ़ी सवाल करते हैं कि सर कोई स्पेसिफिक चैनल बता दीजिए, तो उसके लिए कोई दोस्तों स्पेसिफिक चैनल एक नहीं है। आप अपने टॉपिक वाइज, हो सकता है आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आपको हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी और चैनल का समझ में आए, या इश्यू ऑफ शेयर्स किसी और चैनल का समझ में आए, तो कोई एक स्पेसिफिक चैनल नहीं है जिसके सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप अपने टॉपिक वाइज यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, तो उससे भी आप कवर अप कर सकते हो। लेकिन इन दो जो मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट लॉ और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इन दोनों सब्जेक्ट को समझने के लिए एक अच्छी सी बुक आप परचेज करिए, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।